विवाह हुआ एक वर्ष, एक साल बीत गया। सुखदेव जी ऐलान करते हैं एक साल के बाद वसुदेव देवकी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेन सनृताद अति विह्वला। जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ अपने वचन के अनुसार वसुदेव उस बालक उस पुत्र को लेकर कंस के पास आए, दे दिया। उस एक दिन के बालक को देखकर कंस को दया नहीं आई, कंस को अभिमान हुआ कि ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी आठवीं संतान की आकाशवाणी है तो पहला है। वसुदेव इसे लेकर जाओ, मुझे आप पर विश्वास है, जब आठवां बालक होगा उसे मेरे पास लेकर आना। वसुदेव जी लेकर चले गए, देवलोक में फिर से खलबली मच गई। ये सारी करतूत देवता की है। देवता सोचे कि ये पहले बालक को छोड़ दिया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, आठवां होगा भी नहीं, भगवान आएंगे भी नहीं, देवता टेंशन में। देवताओं ने सरस्वती देवी को पकड़ा, जाओ कंस की जीवा पर बैठो, उस बच्चे को कैसे भी करके मरवाओ। सरस्वती ने कहा कि त्रेता युग में आपकी बातों में आकर राम को वनवास दिलाया, अब ये दूसरी गलती फिर से कभी नहीं करूंगे। रास्ते में नारद मुनि मिले, नारद जी आपका काम पड़ा है, आपके बिना कोई कर नहीं सकता। बोले काम क्या? बोले किसी को मरवाना है। नारद ने कहा ये तो प्रैक्टिस है। खैर ये तो हंसी मजाक में कहा जाता है। नारद मनो अवतार है, भगवान की इच्छा को समझकर कंस के पास आए, और नारद एक ऐसा पात्र जिसका आदर देवता भी करते हैं असुर भी करते हैं। कंस ने नारद को प्रणाम किया, कहा प्रणाम क्या करे, तेरे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये मूर्ख शब्द और कोई बोला होता ना, धड़ से मस्तक अलग हो जाता, क्योंकि ये कंस था। लेकिन नारद के प्रति आदर रिस्पेक्ट है। तेरे जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। बोले मूर्ख क्या? बोले उस बालक को क्यों छोड़ दिया? अरे नारद मुनि, वो तो पहला पुत्र था और आकाशवाणी तो दूसरे पुत्र की है। नारद जी ने कहा वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु वो खंबा तोड़ के प्रकट हो सकता है, तो ये तेरा नंबर ध्यान में रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, और तू नंबर के चक्कर में ही पड़ा है, तो मुझे ये बता कि इसमें से आठवीं उंगली कौन सी है। कंस यहां से गिना तो ये आठवीं हुई, यहां से गिना तो ये आठवीं हुई। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई। बोले यार ये तो पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी आठवां हो सकता है, विष्णु का कोई भरोसा नहीं। नारद मुनि अष्टदल कमल लेकर गए थे, 8 पंखुड़ी वाला कमल। कमल दिखाया, कहा कि चल बता इसमें से आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। ये गोल गोल करते गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली भी आठवीं, दूसरी भी आठवीं, तीसरी भी आठवीं, चौथी भी आठवीं। अब तो कंस को ट्यूबलाइट नहीं, फोकस हो गया बहुत बड़ा। ये कंस ने तुरंत अपने अनुचर को कहा जाओ उस बालक को लेकर आओ, उनके माँ बाप को लेकर आओ, उनको कारागार में बंद करो। कंस के पिता उग्रसेन ने कहा बेटा ऐसा नहीं कर, ये मेरे बाप को भी कारागार में डालो, सबको होलसेल में कारागार में। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मैं तो इसी के लिए आया था। नारद ने पतली गली पकड़ ली, देवकी और वसुदेव को बुलाया, कंस ने कारागार में बंद किया, उग्रसेन को भी बंद किया। और बड़ी दुखद घटना, बड़ी करुण घटना भक्तों, कि उस क्रूर कंस ने उस एक दिन के बालक को उनके माता पिता के सामने पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। कारागार में रहते हुए देवकी वसुदेव के वहां दूसरे बालक का जन्म हुआ, कंस को पता चलते ही कारागार में आया, दूसरे बालक को पत्थर से पटक कर मार दिया। तीसरा चौथा पांचवा छठा, कंस ने देवकी के 6 बालक को उन्हीं के सामने पत्थर के साथ पटक कर वध कर दिया। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमारे जीवन में बहुत दुख है। दुख इसे कहते हैं, यह है दुख। 6 बच्चे प्राण से भी प्यारे, इतने सुंदर बच्चे आंखों के सामने मार देना,
थोड़े से दुख जॉब छूट जाती है आदमी रोने लगता है, कोई गाली दे देता है आदमी रोने लगता है, ये कोई दुख है? ईश्वर के मां बाप के जीवन में दुख तो देखो आप, भगवान का बनना चाहते हो तो ऐसे ही नहीं बना जाता, नो पेन नो गेन। भगवान के मां बाप, भगवान का प्रियतम, भगवान का होना चाहते हो ऐसे ही नहीं हुआ जाता, कितना दुख इनके माता पिता के जीवन में, कितना दुख। छे छे बालक आंखों के सामने मारे गए, हृदय में दुख, हृदय में कष्ट। और ये दुख सातवें पुत्र के रूप में अनंत शेष के अवतार बलराम जी प्रकट हो गए हैं, देवकी के गर्भ में बलराम आ गए हैं। लेकिन बलराम आए तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और निवेदन किया कि जो बलराम देवकी के गर्भ में है उसे सेफली निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। भगवान और उनकी माया क्या नहीं कर सकते। देवकी के गर्भ से बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया सुरक्षित रूप से, और फिर आगे चलकर बलराम जी का जन्म हुआ। लेकिन यहां तो देवकी को लगा के मेरा गर्भ गिर गया, फिर से देवकी के जीवन में शोक दुख दुख से भर गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि ईश्वर के माता पिता के जीवन में इतना इतना दुख, लेकिन जैसे जैसे दुख बढ़ता गया ना, देवकी और वसुदेव की भक्ति भी बढ़ती गई। हमारा उल्टा है, हमारे क्या है, दुख आता है तो कहते हैं छोड़ो ये भजन भक्ति, हम भक्ति करते थे सुखी होने के लिए, और दुख आ रहा है ये कृष्ण झूठा, भक्ति झूठी, गुरु झूठे, सब छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में भी पास होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, ईश्वर के दरबार में जाने के लिए परीक्षा होती है, ये भगवान की परीक्षा है। और एक बात समझ लीजिए, आदमी जितना बड़ा होता है उसका दुख भी उतना ही बड़ा होता है। जब जीवन में कोई बड़ा दुख आए तो समझो भक्ति भी बहुत बड़ी की है हमने, क्योंकि कैपेसिटी देखकर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, नर्सरी सीनियर जूनियर वाले को वैसा पेपर और यूनिवर्सिटी डिग्री वाले को वैसा पेपर होता है। मैं आप सबको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना, भजन करते हुए भक्ति में दुख आए कष्ट आए तो भक्ति छोड़ो मत, कम मत करो और बढ़ाओ, भगवान देखेंगे कि ये किस माटी का बना हुआ है, इतना दुख इसके जीवन में, फिर भी मेरा नाम लिए जा रहा है, भजन किए जा रहा है। ऐसा ही हुआ आज से 5,500 वर्ष पहले भक्तों, ऐसा ही हुआ। इतना दुख देवकी और वसुदेव के जीवन में क्या बिगाड़ा था, मथुरा का क्या बिगाड़ा था इसने कंस का। लेकिन जैसे जैसे दुख बढ़ता गया भक्ति भी बढ़ती गई, भक्ति बढ़ती गई। और इनकी भक्ति को देखकर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का सिंहासन डोल गया, सिंहासन हिल गया, भगवान कांप गए, इतनी भक्ति, अब तो मुझे जाना ही होगा। और उसी समय भगवान अपने धाम से उतरकर क्रम कैसा रहा, भागवत में लिखा है भगवान के आने का क्रम कैसा था, बहुत सुंदर। भगवान आए तो सबसे पहले वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, और अब भगवान देवकी के हृदय में आ गए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान देवकी के हृदय में आए, देवकी का जो दुख था, छे छे पुत्र और सातवें पुत्र के चले जाने का जो दुख था, सारा दुख चला गया। देवकी के शरीर में प्रकाश पुंज निकलने लगा, देवकी का रूप बदल गया, और कंस के कारागार में कितना अंधकार था
देवकी के शरीर के प्रकाश से वो अंधकार दूर हो गया। कंस को पता चलते ही कंस आया कारागार में, देखा कारागार में न ट्यूबलाइट, न बल्ब, न दिया, और फिर भी इतना प्रकाश। कंस ने देवकी की ओर देखा तो आंखें बंद हो गई, देख नहीं पाया। और कंस इस प्लेटफॉर्म पर आ गया कि मेरी मौत, मेरा काल इस देवकी के गर्भ में आ चुका है। अब मेरा काल, मेरी मौत दूर नहीं है, अब वो देवकी के गर्भ में आ चुका है। हम और आप क्या जन्माष्टमी मनाते हैं? कंस ने जो जन्माष्टमी मनाई है, जन्माष्टमी के 10 दिन पहले ही कंस खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि कंस रोटी खाता है तो रोटी में विष्णु दिखाई देता है, बोले खाऊंगा, अंदर जाके फाड़ देगा। पानी में विष्णु, बिस्तर पर विष्णु, यहां वहां आजू बाजू सब जगह पर विष्णु ही विष्णु। आजकल भक्तों को इतने भगवान नहीं दिखाई देते जितना कंस को दिखाई दे रहा। धीरे 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 दिन बीतने लगे, महीने बीते और 9 महीना बीता और वह पवित्र दिन आ गया। ब्रह्मा को पता चला, ब्रह्मा समस्त देवी देवताओं को लेकर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान को गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आ पहुंचे। और शास्त्रकार ने लिख दिया, अस्तुति करही नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनंत प्रभो अवलोकित शोक प्रकरण प्रभो। ही है परमेव परम अवकाश ही है विशेष 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 है अपनो सब शेष है अस्तु ही परिभाषक सर्व सुशासक है अतुलियम परम प्रकाशक है सब श्याम राम राम है अपनो मित्र अभिराम है काल हु काल सुकाल परम सुर अंग समूह काल परम लावण्य ललित मधु महुगुण तनो नितम बहु परम अकथ्य अगम्य जनम परिपूर्ण परात्मर परम भव तनो नितम परम जय अति गोलोक सुदाम पतिं सद्गन मन रंजन परम गगन रस रूप सरस रामारमण उतनो मिथुना कहि परम गरि रूप अनेक हि पूर्व जता अभिरक्षि त्रिलोक हि हरि दिगा तनि मनुज काल पुराण कर अभिरक्षि त्रिलोक जनता Oh,
पाप नर्थाय सब भवामी युगेंद्र। कृष्ण की प्रतिज्ञा साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में प्रकट होने के लिए सोचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुनिया का काल समस्त गुणों से विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह तारे नक्षत्र शांत हो गए, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां हीरों की खानों से भर गई, कंस आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद किया, लेकिन आज हमारे ईश्वर आ रहे हैं, वृक्षों में फल फूल उगने लगा। कंस आदि असुरों के अत्याचार से नदियों के पानी सूख गए थे, लेकिन आज हमारा बाप, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान आ रहा है। ये पता चलते ही नदियों में पहाड़ आने लगे, शीतल सुंदर सुगंधित हवा बहने लगी, पक्षियों का गुजार होने लगा, ब्राह्मणों की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, संत साधुओं के मन में आनंद हुआ, दुष्टों के मन में शोक उत्पन्न हुआ, और सब में दुख भी बजने लगी, देवता गाने लगे, इंद्र नाचने लगे, और सराय हाथ में वरमाला, हाथ में माला लेकर घूमने लगी, और उसी समय मंद 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 बादल गरजने लगे और मंद मंद वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान।